सिंह साहब, इतनी बड़ी देश के अंदर वारदात हुई जिसकी नज़र पूरे देश दुनिया की नज़रों पे थी, पाकिस्तान से जो सेकंड सर्जिकल स्ट्राइक दिखाई गई है, लेकिन वो बिल्कुल फेक बताई जा रही है मीडिया और सूत्रों के हिसाब से, तो लेकिन ये मोदी भक्त जिनको बोला जाता है भक्त हैं, वो नहीं मानने के लिए तैयार हैं, तो इनके लिए क्या बोलेंगे आप? अगर मोदी भक्त मान गए तो मोदी का तो ड्रामा ही खत्म हो जाएगा जी। तो मोदी का ड्रामा चलता रहना चाहिए जी। उसके ये कमिटेड भक्त हैं जी। आप कहीं भी जाएंगे देश में, किसी भी जगह जब मोदी का कोई रैली होती है या कोई प्रोग्राम होता है जी, तो मुझे कहना चाहिए कमिटेड भक्त या पेड भक्त जी, ये उसके हर जगह होते हैं जी। इनका काम ही सिर्फ ये होता है कि मोदी 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 इस तरह की बातें करके और उसको आगे लाना, ये दूसरी चीजों को फिर नहीं देखे। मीडिया का इसमें अहम रोल होता है जी। मीडिया भी उसको बड़ा ही एक ओबीडियंट बच्चे की तरह जी, उसको उतना ही आदर दे रहा है जो कि नहीं देना चाहिए जी। मीडिया तो एक स्वतंत्र चीज है ना जी, एक फोर्थ स्तंभ है अपने लोकतंत्र का जी। उसको तो बिल्कुल स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन मुझे यह दिखाई दे रहा है देश में आज कि मीडिया भी स्वतंत्र होके काम नहीं कर रहा है जी। मैं किसी एक दूसरे चैनल की बात करना चाहूंगा कि एक चैनल ऐसा भी है मीडिया में जो इस बात को वाकई बोलता है कि हमारे मीडिया जो अच्छा काम नहीं कर रहा जी। उस मीडिया को एंटी मोदी करार दे देते थे जी। तो ये नहीं होना चाहिए जी। मीडिया के लिए सलाह यह है कि मीडिया को निष्पक्ष होकर काम करे, लेकिन वो नहीं करेगा क्योंकि उसे सरकार से कुछ लेना है जी। और इस देश में सरकार को स्थायित्व प्रदान करने का पूरा काम जी, मुझे कहने में कोई शिकवा नहीं है कि मीडिया कर रहा है जी। अगर मीडिया ईमानदारी से काम करे तो किसी भी सरकार को पूरा का पूरा देश के सामने उजागर कर सकता है कि कौन कितने पानी में है जी। और ये काम आज देश में नहीं हो रहा है जी, ये मीडिया की जिम्मेदारी है। सिंह साहब, एक बात बताइए कि अधिकतर जो बीजेपी सरकार है उसे जुमलों की सरकार बताया जाता है, तो क्या जुमलों से सरकार चलती है या एडमिनिस्ट्रेशन से चलती है, और अगर चलती है तो किस तरीके से चलनी चाहिए? क्या देश के प्रधानमंत्री को इस तरीके की जुमलों वाली बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या पार्टी विशेष की बात करनी चाहिए या देश की बात करनी चाहिए, उसके बारे में बोलिए। देखिए 2013 से शुरू करता हूँ, 2014 का इलेक्शन होने से पहले मोदी जी को बड़ा अजीब अनुभव लगा था कि इस देश को कैसे चलाया जाए, इस देश पर कैसे राज किया जाए। उन्होंने वो सारी तैयारियां करके रखी थी जुमलों वाली, और वो साबित भी हुआ 2014 के बाद में। 2019 जब आई, 2018 में ये बात साबित हो गया है कि जुमलों की सरकार थी और है, क्योंकि जो आपने बड़े बड़े वादे करके रखे थे जिसमें पब्लिक आपकी वसीभूत हुई थी और पब्लिक ने आपको सपोर्ट किया था अपनी भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए, सबका साथ सबका विकास, 1 करोड़ 2 करोड़ को नौकरी, 15-15 लाख, ये सब ऐसे जुमले साबित हो गए कि इसमें किसी को कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं बची है। दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं कि ये जो इस तरह से जुमले वाले काम कर पाएंगे क्या, अब देश जान चुका है कि कौन जुमलेबाज है। मोदी जी का नाटक खत्म हो रहा है। अभी देश में एक अफसोस ये है कि इस देश की जनता अज्ञान है, इग्नोरेंस बुरी तरह से हावी है, और अज्ञानता ही हमारे देश का दुर्भाग्य। अगर आज हमारे देश में शिक्षा अज्ञानता को दूर भगाने वाली चीज शुरू हो जाए तो पूरा का पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है, जो नहीं हो रहा है। और आप जो कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन, हकीकत में 70 साल के शासन के पीरियड में आप देखेंगे तो देश तो हमारे संविधान से चला ही नहीं। संविधान में पूरा का पूरा प्रीएम्बल में, फंडामेंटल राइट में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में जो जो बातें कही गई हैं मानव कल्याण की, वो बातें आज तक हुई ही नहीं है। कोई भी चीज धरातल पर सच्ची नहीं उतरी है, वादे कोरे वादे रह रहे हैं, चाहे वो रिजर्वेशन का वादा हो चाहे कोई और हो। और ये क्या करते हैं, एक हाथ देते हैं एक हाथ ले लेते हैं। इस देश में मिलीभगत सरकार चल रही है। मिलीभगत आप किसी को भी कह सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी कह सकते हैं, जुडिशरी भी कह सकते हैं, अरे और आपको डेमोक्रेटिक वे में जो काम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि काम सही तरीके से नहीं हो रहा है, मैं क्लियर तौर पर बताना चाहता हूँ। सिंह साहब, एक बात बताएं कि अगर मोदी और कांग्रेस की सरकार के अलावा अगर तीसरा चेहरा आप देखते हैं तो कौन सा चेहरा है जो प्रधानमंत्री के लिए बिल्कुल डिजर्विंग करता है? देखिए जी, आजकल हर पार्टी का आदमी और खासकर उनको चलाने वाले अपने आप को प्रधानमंत्री से कम आंकने में कोई तैयार नहीं है, और सब प्रधानमंत्री हो नहीं सकते। प्रधानमंत्री का मुद्दा मैंने बार बार ये कहा है
कि पहले उस लायक तो बनो कि प्रधानमंत्री बने कोई एक। सिंह साहब, इस लोकतंत्र देश के अंदर आपने किसी ना किसी को चुनना पड़ेगा, तो आप किसको चुनते हैं? किसी ना किसी के चेहरे को तो आपको देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री का चुनने के लिए मैं इस देश का भला अगर करने वाले हैं आप, तो कोई भी संविधान पर चलने वाला आदमी इस देश का प्रधानमंत्री बने। आज तक मुझे कहने में कोई गिला नहीं है कि कोई भी आदमी, कोई भी प्रधानमंत्री संविधान पर चलने वाला नहीं हुआ। ये मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। संविधान पर चलने का मेरा मतलब यह है कि जो संविधान में कहा गया है उससे चले। फंडामेंटल राइट, जो देश का आज गरीब आदमी, लोग चिल्लाते तो बहुत हैं गरीबी गरीबी दूर हो गई, विकास हो गया, आज भी गरीबों की हालत, गरीबी की इतनी बुरी हालत है कि आप जो उसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है। उस लास्ट मैन को अगर आप कुछ दे पाते हैं देश में, तब उसको मालूम पड़ेगा कि मैं देश आजाद हुआ, और तभी आप जबरदस्त देश को कह सकते हैं, विकास विकसित कह सकते हैं। ऐसा नहीं हो रहा, ये बड़ा दुर्दैव है, दुर्भाग्य है। हमारी चरण से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।